दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं 2015 से चली आ रही सीरियल नागिन के बिहाइंड द सीन, मतलब किस तरह से नागिन का जो शूटिंग होता है। और इस वीडियो में आप लोग दो चीज़ देखोगे, एक बिहाइंड द सीन किस तरह से शूट किया जाता है, और एक ये देखोगे कि किस तरह से वीएफएक्स के हेल्प से वहाँ पे जो सांप का जो रोल होता है वो यहाँ पे कैसे ऐड किया जाता है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं आप लोग को बताता हूँ कि नागिन का जो सीन है वो किस तरह से शूट होता है। यहाँ पे देखो, जो भी नागिन सीरियल में नागिन का रोल प्ले करती है उसको जो है नीचे में ग्रीन या ब्लू कलर का एक कपड़ा पहना दिया जाता है, जिसके हेल्प से वहाँ पे क्रोमा की के हेल्प से वहाँ पे एक 3D स्नैक का वहाँ पे दे दिया जाता है। ओके, तो आप लोग जो भी वीडियो में बिहाइंड द सीन देख रहे हो वहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, वो लोग नीचे ग्रीन कलर का वो कुछ कपड़ा लपेट के रखती है। क्यों? क्योंकि उससे ईजिली होता है बैकग्राउंड चेंज करने में और क्रोमा की के हेल्प से स्नैक को रिप्लेस करने में। यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो किस तरह से शूटिंग हो रहा है। सामने दो नागिन है और यहाँ पे एक नाग है, और पीछे देख सकते हो ग्रीन बैकग्राउंड का यूज किया गया है। और आप लोग वीडियो में ये देख रहे होगे जो यहाँ के डायरेक्टर है वो किस तरह से बता रहे हैं किस तरह से क्या करना है। और सामने नागिन को देख सकते हो जो कि ग्रीन कलर के, मतलब जो नीचे का पार्ट होता है वो देख सकते हो ग्रीन कलर के का कपड़ा लपेट के वहाँ पे है, ताकि उससे ईजिली हेल्प हो और ईजिली रिप्लेस कर दिया जाए। अब हम लोग बात करेंगे कि इसकी शूटिंग कहाँ कहाँ पे की जाती है। तो मैं आप लोग को बता दूँ, इसकी अधिकतर शूटिंग रियल लोकेशन पे की जाती है, क्योंकि आप लोग को जब सीरियल में इस टाइप का सीन देखते होगे जहाँ पे ऐसे नागिन सीरियल में आप लोग को ज़्यादातर जंगल और पहाड़ी वाला इलाका दिखाया जाता है, और कुछ कुछ राजमहल और मंदिर का। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, जो जंगल का इलाका दिखाया जाता है वो रियल लोकेशन पे शूट किया जाता है, ना कोई VFX और ना ही कोई CGI का यूज होता है। और आप लोग मूवी में जो भी पहाड़ का इलाका देखते हो उसको कुछ हद तक CGI और VFX के हेल्प से क्रिएट किया जाता है, पीछे ग्रीन बैकग्राउंड यूज करके। और आप लोग ये सुन के शॉक्ड हो जाओगे कि आप लोग नागिन के ऐसा कोई भी नागिन नहीं होगा जहाँ पर आप लोग को जो भगवान का मंदिर रहता है वो आप लोग को देखने के लिए नहीं मिलता होगा। तो हर एक नागिन के सीरियल में आप लोग को एक टेंपल मंदिर देखने के लिए मिलता ही होगा, वो भी शिव जी का। तो मैं बता दूँ, वो रियल लोकेशन पे शूट किया जाता है, पीछे में कुछ ऐसे पार्ट रहते हैं जो कि एडिशनल ऐड किया जाता है, वो भी ग्रीन स्क्रीन के हेल्प से। आप लोग इसमें भी आप लोग देख सकते हो किस तरह से यहाँ पे शूट किया जा रहा है, ये भी एक मंदिर के अंदर ही शूट किया जा रहा है, और इसके चारों साइड ग्रीन बैकग्राउंड का यूज़ किया गया है। और मैं आप लोग को बता दूं, आप लोग जो नागिन सीरियल में जितने भी फाइट सीन आप लोग देखते हो उसको भी ग्रीन स्क्रीन पे शूट किया जाता है, और जो भी नागिन रहती है उसको ग्रीन कलर का नीचे में क्लॉथ पहना के शूट किया जाता है, फिर जाके CGI के हेल्प से उसको रिप्लेस किया जाता है। आप लोग जो सीरियल में जो भी एक्सप्रेशन देखते हो नागिन के फेस पे, उसको करने के लिए वैक्यूम क्लीनर और फैन का भी यूज किया जाता है, जो कि सर का जो बाल रहता है उसको उड़ाने में और फेस का एक्सप्रेशन दिखाने में। और आप लोग जो मूवी में जो भी फाइट सीन देखते हो दो नागिन के बीच में, उसको CGI के हेल्प से क्रिएट किया जाता है, और एक अच्छा लुक देने के लिए वहाँ पे ग्राफिक्स का यूज किया जाता है। जो भी बैकग्राउंड में जो ग्राफिक्स होता है उसको एक नेक्स्ट लेवल यूज किया जाता है, ताकि आप लोग को एक रियल और ओरिजिनल लग सके। तो चलो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हाँ, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लेना, इसी तरह का VFX वीडियो देखने के लिए।